लड़का बच्चा सभी संग में रहे तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, धीरे धीरे छह महीना हो गए। अब सास कहे लल्ला घरे नहीं जाए हो, बोले घरे का करे जाए, काम है तो सब हुई हो। अब काम हो तो घरे है नहीं और बहू है सो हिया और लड़का बच्चा जेदे को पास में और हम घरे का करे जाए। अब सास सोचने लगी ये तो आराम से निठेरू खा ले सुबह और शाम को आराम से और कोई काम ना धाम। अब धीरे धीरे एक नहीं दो नहीं काफी दिन हो गए। अब रिश्तेदार तुमसे अगर कान लगे तो शर्म लगे है वो चाहिए कि हम चले जाएं, लेकिन कछु लोगों को शर्म लगता ही नहीं। हाँ सो महाराज हमारे एक बबनीपुर में अजय भैया हैं, उनकी भाई शादी शादी भाई तो उनकी सास विदा नहीं करो करे विदा नहीं करे तो हमने अजय भैया कही मेरी बात माने हम सूत्र बताएं तुम्हें कि बोले व्यासी हम तुम्हारी बात मान ली हमने कि तुम्हारी बहू ज्यादा नहीं 15 दिन नहीं रुक पाई है तुम मेरी बात मान लियो के बोले एक साल हो यही आए ही नहीं हमने कहा नहीं बोले आएगी के बोले नहीं आएगी एक साल होगी अब क्या आएगी हमने ऐसा तो करो तुम ससुराल में आ जाई जाओ ऐसे ही फटे नुचे कपड़ा पहन के जाइयो ठीक है। सो चले गए ससुराल में और जैसे ही अब दामाद है एक साल बाद तो आए तो दामाद बोले देखो मम्मी हम तो आए अद्भुत है और हमारे के लिए कल व्यवस्था करो कपड़न की कल तो आराम से दो जोड़ी कपड़ा अजय लिबाई जो गए जैसे ही सास ने भैया 1000-2000 कपड़ा कटवाए ले लिबाए ले धीरे धीरे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं 10 दिन हो गए आए भी को मन नहीं नहीं हमने कि तुम आई हो ना हाँ और वहीं रहो ना कभी हो रहा भूजो तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं अब बढ़िया बढ़िया सब्जी मंगवाओ करें मम्मी आज पनीर रंधो चाहिए सो दमाद है सो महीना दो महीना तो बढ़िया इज्जत भाई। हाँ अब सास परेशान हो यही बोले ऐसा करो लला तुम जब बलाए ले जाओ बहुओ ले जाओ जी लड़का बेटा सब ले जाओ हम तुम्हें नहीं पाल पाए क्यों। सो जैसे ही लेवाए बुलाए ब्यासी तुम सूत्र काम करियो हाँ ज्यादा कोई बहू घरे रुके तो वहीं ससुरा रही जाओ सब डेरा वहीं ले जाओ वहीं रह जाए और चाउमीन की दुकान और लगा ले वहीं ज्यादा हो तो जूता कांठन लगो है शर्म लगे तो खुद ही भेज दी। तो ऐसे ही एक लला रहे ससुराल में गए धीरे धीरे 6 महीना हो गई 6 महीना जैसे ही भाई और सास खूब कहे कि लला घरे जा तुम्हारी मम्मी परेशान होएंगी बोल ना कोई काम है ही नहीं परेशानी तो है ही नहीं। अब महाराज सास और दामाद में ऐसे फंस गई सास कहे जाए और दामाद सोचे हम कबहू ना जाए और सवेरे की छाक रहे और सास चगिया पीसा पीस लगी गर्गृहस्थी को जाल ज्यादा रहे और दामादऊ रुके और बिटियाऊ रुकी तो खर्चा ज्यादा रहे और सास चगिया पीसे और गीत गाती जाए और जो गीत गाए रही के सुनाए सुनाए के कह रही कि ये जे कैसे हूं दामाद हमारे चले जाए और गीत गाए लगी और का बोली ने तो मार नाने तो करी बोली तो पर मेरे लगियो नाए डोकर डोकरी गीत गा रहे नाच रहे और तब तक क्या हुआ कि बे लला जो बिठा में घुसे बे चुपके से निकरे और जऊ देखा जा तो लाठी ले यही ना खड़े हो जैसे ही निकले तो वहां पर कोई नहीं और जैसे ही दामाद ने आंगन की तरफ नगा घुमाई सो देखेगा डोकर डोकरी नाचा नाच नाचा नाच नाचा नाच। दामाद ने विचार करो अबे तुझे लला ना लगे थे अब दाल में कालो मालम पड़ता है अब जे नाच रहे हैं कोई तो कारण है सो दामाद अते बे होंत फिर लौट के आए जैसे ही लौट के आए
और डोकर डोकरी गीत गा रहे सो दमादौ नाचन लगे। डोकर बोले अरे मैंने तो को मारना डोकरी बोली अरे तो फिर मेरे लगियो ना तमाम नते जो नाचा नाच लगे। डोकर बोले डोकरी मैंने तो को मारो ना डोकरी बोली तो फिर मेरे लगियो ना और दमान बोले सुनो तो ससुर हम गए ना जे दरबार की वृंदावन बिहारी लाल की तो उनके जैसी आई ना करो करोगे हटाई पकड़ के रह जाओगे हम जाएंगे नहीं है। आइए कथा